खान के बयान पर नून लीग के छक्के छूट गए, हुकूमत के पास इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। शेख रशीद ने ट्विटर पर बड़ा दावा कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर साबिक वजीर दाखला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। शेख रशीद ने अपने ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गर्मा गर्म ट्वीट किया और लिखा कि इमरान खान ने असेंबलियों में जाने का नाम लिया तो इनके छक्के छूट गए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने लिखा कि हुकूमत ने 35 मेंबर्स का इस्तीफा इलेक्शन कमीशन से मंजूर करा के खुद को मजीद गंदा बना दिया है। शेख रशीद ने ट्वीट में दावा किया कि हुक्मरान जो मर्जी चाल चल लें, हालात की संगीनी ऐसी है कि इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। साबिक वजीर दाखला ने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि हुक्मरानों की नाम निहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई है। जो स्पीकर कहता था कि वो एक एक का इस्तीफा मंजूर करेंगे, उसने 35 इस्तीफे मंजूर करके नून लीग की खौफजदा कयादत को बेनकाब कर दिया है। शेख रशीद ने मजीद लिखा कि जिस तरह मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, अगर बरवक्त कदम न उठाया तो ये मुल्क बदनज़मी और मुआशी तबाही की तरफ चला जाएगा।